आज जिस किताब की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो भी एक उपन्यास है और प्रभात रंजन का लिखा हुआ है। प्रभात रंजन जी बड़े लेखक हैं, आलोचक हैं, तो उनकी किताब पे बात करके मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही है ना, आप समझ सकते हैं किसी आलोचक की किताब के बारे में अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलेंगे। मैंने जैसा कहा, मैं किताबों के बारे में बात नहीं करता, किसी भी उपन्यास या कहानी के बारे में। मैं कविताएँ सुनाने वाला आदमी हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि जो किताब मुझे पसंद आएगी, मेरे दिल को छुएगी, उसके बारे में दो बातें मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। तो ये किताब है किस्सा ग्राम, उपन्यास है, प्रभात जी का पहला उपन्यास है। तो पहला उपन्यास जो है सबको बड़ा प्रिय होता है, अपना बड़ा करीबी होता है, क्योंकि पहली किताब, पहला उपन्यास। ये कहानी जो है एक पहलवान की कहानी है, छोटे से कस्बे की कहानी है। वो पहलवान अचानक बड़ा पहलवान बनता है, चकोरी पहलवान, और एक रात गायब हो जाता है। जिस रात गायब होता है, उसी रात वो जिस मंदिर में हनुमान जी की पूजा करके पांव छू के पहलवानी करने जाता था, अखाड़े में उतरता था, जिस रात वो गायब होता है उसी रात उस हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर में घुस के कोई तोड़ देता है और वो गायब हो जाता है। उसके बाद वो किसी से नहीं मिलता। यहां से ये कहानी शुरू होती है। और उसके बाद उस गांव में फिर क्या होता है आप समझ सकते हैं कि मंदिर है, मूर्ति का टूटना है, फिर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा होनी है, मंदिर कितना भव्य बनेगा, उसकी पताका कितनी होगी और उसके इर्द गिर्द राजनीति कैसे चलेगी, इसकी पूरी कहानी है ये। अब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा फिर वही गांव का परिवेश है, वही है। मुझे इस तरीके की किताबें ना कभी पसंद नहीं आती। पढ़ पढ़ के बचपन से लेके आज तक वो देसी पने की कहानियाँ, गांव देहात की कहानियाँ पढ़ पढ़ के, उपन्यास पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका। मैं कहा और नहीं पढ़नी, मुझे कंटेम्प्रेरी कहानी, शहरी कहानियाँ पढ़ाओ। पर कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभात जी का उपन्यास था तो मैंने पढ़ना शुरू किया। दो पेज पढ़े, चार पेज पढ़े, छः पेज पढ़े, धीरे धीरे ये मेरे अंदर उतरने लगा। अपने बड़े प्यारे से स्टाइल में प्रभात जी ने इतनी बारीक महीन कहानी कह दी है ना, इसको समझने वाला समझ सकता है। और बहुत ज़्यादा इसमें आप देखेंगे तो बातचीत नहीं है, संवाद नहीं है। ये कहानी एक थर्ड पर्सन के द्वारा कही गई है। ये उपन्यास एक रिपोर्टर की नज़र का उपन्यास है। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआती 6 साल रिपोर्टर रहा हूँ, तो ये घटनाएं मेरे सामने घट रही हैं। एक रिपोर्टर जैसे दर्ज करता है अपने सामने के इतिहास को और अगले दिन वो रिपोर्ट अपनी लिखता है, तो ये एक रिपोर्टर का रिपोर्टाज है जो वो महसूस कर रहा है उसके समाज में क्या घट रहा है, किस तरीके की राजनीति हो रही है। इसमें जाति भी है, इसमें धर्म भी है, इसमें स्मगलिंग भी है, इसमें बहुत कुछ है। जब आप पाएंगे तो देखेंगे अरे हाँ ऐसा तो होता है, और मंदिर पे राजनीति तो हमारी नस नस में है, खून में है, हमको पता है कि क्या होता है जब मंदिर हमारे सामने हो। तो प्रभात बाबू कमाल का खेल कर गए हैं आप इसमें। और कुछ जो लाइनें लिखी है ना, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं प्रभात रंजन जी। जिंदगी का लुत्फ यही है कि हम जो सोचें उससे उलट हो जाए। जब सब कुछ अपने सोचे के मुताबिक होने लगे, सबको अपने किए का उचित फल मिलने लगे, सबके साथ न्याय होने लगे, तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी ना, है ना, कितनी सच्ची बात। एक लाइन उनकी मुझे और पसंद आई थी, ये शुरुआत में ही उन्होंने लिखी है कि जिंदगी पूरा करने की दौड़ में कितना कुछ अधूरा छूट जाता है, छूटता जाता है, कितनी मार्के की बात है। ये तो जिंदगी के फलसफे हैं जो मैंने आपको सुनाए। आगे लेके चलता हूँ मैं राजनीति की तरफ। मैंने दर्ज कर लिया है उसमें कितना आराम से वो कटाक्ष कर जाते हैं, तंज कर जाते हैं, छू के गुजर जाते हैं। नेता और किस बात के लिए होता है, यही ना कि अपने लोगों का काम करवाए। अगर ये होता रहे तो जनता को इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं। उस प्रसिद्ध समाजवादी नेता का कहना था, जिसने समाजवाद की सेवा के लिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ही रहना शुरू कर दिया था और जिले में पार्टी के लिए चुनाव लड़ने से भी अधिक बड़ी चुनौती थी बुटकन सिंह को निकाल पाना। बुटकन बाबू एक और बड़े मार्के की बात कहते थे, जीता हुआ नेता सबका हो जाता है, वो केवल अपनों तक सीमित नहीं रह पाता, उसको सभी को अपनों की तरह देखना पड़ता है, इसलिए वो चाहकर भी अपनी जाति के लिए बहुत काम नहीं कर पाता। लेकिन हारे हुए नेता के पास ऐसी कोई वजह नहीं होती, वो लगातार अपनों के लिए काम करता रह सकता है। काम थोड़ा कम भी करवा पाया तो कोई बात नहीं, लोगों की सहानुभूति तब भी बनी रहती है ना,
लोग कहते हैं कि हार कर भी इतना काम करवा देता है, अगर बेचारा जीत गया होता तो ना जाने कितना करवाता। अब आप समझिए राजनीति पर ये पंक्तियां कितनी फिट हैं। अब दो चार लाइनें और मैं सुना देता हूं, क्योंकि उस उपन्यास की तारीफ में ये लाइनें ही काफी हैं, बाकी मजा आपको पढ़ने का है। आप देखिए धर्म का, कि धर्म की रस्सी को मनोरंजन की कील से बांधे रखना होता है। तुलसीदास जी ने इस बात को सबसे पहले समझा था। भगवान राम की कहानी को उन्होंने अपनी भाषा की किस्सा गोई से बांध दिया और रामलीला करवानी शुरू की, जिससे आम लोगों का मनोरंजन भी हो, धर्म भी उनको याद रहे। धर्म केवल उपदेश के सहारे प्रसारित नहीं होता, उसको गीत संगीत अभिनय सबसे जोड़ देने से वो बिना अधिक कोशिश करके सबके बीच पहुंच जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने धर्म को जीवन के सभी पहलुओं से जोड़ा और ऐसा करते हुए वे मनोरंजन को बिल्कुल नहीं भूले। तो प्रभात रंजन जी ऐसा कमाल कर गए हैं इस किताब के अंदर, चकोरी पहलवान की कहानी को उन्होंने इतनी खूबसूरती से बयां किया, और कैसे एक आदमी ये किस्सा सुनाता है और कैसे उस पर सब यकीन कर लेते हैं और उसके पीछे चलने लग सकते हैं। इस समाज के ऊपर इतनी सटीक टिप्पणी इस किताब में की गई है ना, ये कोई मैं पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मुझे लगता है कि पत्रकारिता के छात्र तो प्रभात रंजन जी रहे होंगे जिस तरीके से ये किताब है। ये किताब महाभारत में संजय जैसे कहानी सुनाते थे ना धृतराष्ट्र को, वैसे ही प्रभात रंजन के संजीव ने ये कहानी हम सबको सुनाई है, और एक किस्सा गोई की तरह। तो इस किताब का नाम अगर किस्सा ग्राम है, इस किताब में छोटे छोटे से किरदार आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं, और उनका लीड इन इतना खूबसूरत होता है ना, वो अपनी ये कहानी लिए आते हैं, कहानी सुनाते हैं और वो बाहर हो जाते हैं। तो ये जो कमाल के लीड इन्स हैं उनके किरदारों के, छोटे छोटे किस्सों से इस किताब को भर रखा है, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आते हैं। तो ये किताब है, और इससे ज़्यादा और मैं इस किताब के बारे में क्या कहूँ। चलते चलते आखिरी तीन लाइनें और बता देता हूँ, जो बतौर लेखक प्रभात रंजन कहते हैं कि जेम्स रेडफील्ड की किताब सेलेस्टीन प्रोफेसी पढ़ी है। वो कहता है कि सब संयोग का खेल होता है, बस हमें संयोग के संकेतों को पढ़ना आना चाहिए, बाकी सब तर्क वितर्क व्यवहारिक उद्यम है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यहाँ तक कि अपने बारे में भी। तो प्रभात रंजन जी बहुत बहुत बधाई, और एक खूबसूरत किताब आपने दी हमको पढ़ने के लिए, बतौर पाठक मैं बोल रहा हूँ। और इस किताब से मैंने ये सीखा, मैंने जब अपना पहला उपन्यास लिखा था तो मुझे कहा गया था यार संवाद ज़्यादा लिखना, लेकिन इस किताब में बहुत कम संवाद है, ये एक रिपोर्ट है रिपोर्टर की नज़र से, और ये रिपोर्ट कितनी खूबसूरत हो सकती है, उपन्यास कितना खूबसूरत हो सकता है, ये पढ़ के मैंने जाना। तो कोई एक तय फार्मूला नहीं है, ये एक नए फॉर्मूले की किताब है, हम सबको पढ़ना चाहिए। राजपाल प्रकाशन से आइए, 200 रुपया इसका दाम है, छोटी सी किताब है, पढ़ डालिए।